हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्लासेस। जैसा कि आपने सुना होगा कि जरूरत से ज्यादा कभी कोई चीज हो जाए तो वो अच्छी नहीं होती। चाहे जरूरत से ज्यादा आप खाना शुरू कर दो, जरूरत से ज्यादा गेम खेलना शुरू कर दो, जरूरत से ज्यादा आप घूमना शुरू कर दो, कोई भी चीज ओवर लिमिट होती है तो वो हमेशा खराब होती है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कोरोना वायरस आपका आईआईटी और नीट का रैंक खराब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि रिजल्ट क्यों आता है, पहले बात को समझते हैं। रिजल्ट प्रॉपर वे में आप सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़ते हो। कोई भी टॉपिक है, आपने टॉपिक को पढ़ाई किया, ठीक है, पूरी बात को समझना, उसके बाद ही कमेंट करना। टॉपिक को पहले पढ़ते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करते हो। जो भी आपको डीबीपी सीट्स जो भी आपको मिलता हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोटा में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, राजीव क्लास में पढ़ रहे हो, पहले ये होता है, उसके बाद टेस्ट होता है। ये तीनों एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक चैप्टर पे आप कमांड पाते हो। तो याद करो, जब आप कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे तो आप हमेशा सोचते थे कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम कब इफेक्टिव हो पाता है? जब आपने सपोज करो कि परसों क्लास हुआ है, आज आप सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिलेगा तो परसों का टॉपिक प्रॉपर वे में आप कर पाओगे। लेकिन सबको पता है कि जो 12th में बच्चे जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनका सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो चुका होता है। जो 12th पास वाले होते हैं उनका मेनली मार्च में टॉपिक कंप्लीट हो चुका होता है। तो एक और एग्जाम जनरली अप्रैल और मई में होता है, तो उसके बाद हार्डली एक मंथ का गैप होता है। तो जब किसी चीज का प्रेशर होता है तो आपका इफिशियंसी लेवल बहुत हाई होता है। आपका जो इफिशियंसी लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। वो मतलब एक होता है कि नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जब प्रेशर आता है तभी जाके रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को। लेकिन क्या हुआ सडनली कि 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अब आपकी क्या क्या चीज लॉस हुई है? आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हुई है, इफिशियंसी गिर गया है, और आप सेम टॉपिक को ज्यादा बार रिवाइज नहीं कर रहे। अब बोलेगा सर इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग क्या है, सपोज करो कि किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो भी टीचर आपको पढ़ाया, लेकिन लास्ट 2 मंथ में आपको पता है कि आप घर में हो, आप रैंडम चीजों को एक्सेस कर रहे हो, रैंडम वीडियोस देख रहे हो, रैंडम में किसी भी चीज का पेपर उठा रहे हो, तो आपका जो प्रीवियस नोट्स था उसके साथ कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं घट गया है। जो प्रीवियस आपके टीचर पढ़ा रहे थे, जो फैकल्टी पढ़ा रहे थे, उनके साथ कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन घट गया। और आप बिलीव करो कि जो भी अच्छा रैंक आया है, चाहे टॉपर हो, चाहे वो कोई भी अंडर 10,000 रैंक हो, आईआईटी की बात करें या मेडिकल की बात करें, तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का लाइक कोलैबोरेशन होता है, दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आपको जब तक नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन में आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, किस क्वेश्चन को कितना देर टाइम देना है, कितना अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट के 2 मंथ आपने आपका इतना ज्यादा एक कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इफिशियंसी हो घटने की वजह से आप पुराने चीज को सेम रिवाइज नहीं कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है आपके रैंक में। तो मेरा आप सबको ये सजेशन है कि जो टॉपिक आप पढ़ रखे हो उसको दोबारा आप रिवाइज करो, जिस फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है उनके नोट्स को ही फॉलो करो। हाँ, कोई टॉपिक अगर नहीं आता है तो आप YouTube को फॉलो कर सकते हो। देखो, मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि YouTube हमेशा वन इंटरेक्शन है आपका, लाइक वन वे इंटरेक्शन है, टू वे इंटरेक्शन नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रखा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रीवियस नोट्स उठाने चाहिए और जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो उसको ही आपको सॉल्व करना चाहिए। जो पेपर आप बना चुके हो उसको आप बनाओ, और साथ में एनटीए ने जो ऐप लाया है उसके प्रैक्टिस आप करो, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, तो आपको प्रॉपर वे में पता चल जाए कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और आपको अपने वीकनेसेस पता चल जाएंगे। तो देखो, रिजल्ट
तभी आ सकता है जब आपके दिमाग में रिटेंशन होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने 50 पेपर कर लिया और आपके मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं रहा, उसका रिटेंशन पावर ऑलमोस्ट जीरो रहा कि आप बना रहे हो कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो कि कितना इसको टाइम देना चाहिए था, इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकता था। तो प्लीज इन सब पे फोकस करो, तुम्हें दोबारा जितने भी नोट्स पढ़ाए हुए उनको बनाओ, जो पुराना तुम्हारे पास सीट हो डीपीपी हो उनको बनाओ आप दोबारा, ठीक है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग को जो सीट मिलता था, हम लोग को जो डीपीपी मिलता था, हम लोग वही करते थे। और 7 सालों के कैरियर में मैंने देखा उन बच्चों का ही ज्यादा अच्छा रैंक आया है, ज्यादा अच्छा सिलेक्शन, और जो रैंडम भटकते नहीं है, जो बच्चे भी बहुत ज्यादा डेविएटेड है, लाइक कभी यूट्यूब, कभी कोई और टीचर, कभी कुछ और, उनका सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होगा तो अच्छा है, अनलिमिटेड अननेसेसरी इररिलेवेंट रिसोर्स होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आपका इससे रिटेंशन पावर घटेगा। हम लोग जो भी पढ़ते थे, एज ए स्टूडेंट आपको कहानी सुनाता हूं, नोट्स सीट और पेपर और कुछ नहीं। लेकिन अभी जो टाइम है जिसकी वजह से एक डेविएशन फैक्टर है, अभी मान लो शाम में किसी और चैनल पे कोई और लेक्चर आ रहा है, आप चले गए वहां देख रहे हो, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, ठीक है, आप रिसोर्सेस का फायदा उठाओ, लेकिन जो टॉपिक ऑलरेडी आप स्ट्रांग पोर्शन में है, आपका टॉपिक ऑलरेडी अच्छे से कवर अप किया गया, उसके लिए आप इंटरनेट को ज्यादा यूज मत करो, क्योंकि इससे आपका डेविएशन बढ़ेगा और रिटेंशन घटेगा, ठीक है। तो ये मैं अपने स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, जो मेरे पास मैसेज आते हैं, छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि वो प्रॉपर वे में रिविजन का उसमें कमी है। आप उसको रिवीजन को ध्यान रखो, इफिशियंसी बढ़ाओ, एक टाइम फ्रेम बनाओ, और जो पुराने पेपर हैं और साथ में एनटीए के जो 13 पेपर आया हुआ है, आप उनको प्रॉपर टाइम शेड्यूल देके बनाओ, आपका रैंक अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी गलती कर चुके हो तो प्लीज ये गलती अब मत करो, प्रॉपर वे में अपने टाइम को डिवाइड करो और अच्छे तरीके से एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करो। आप देखो इंडिया में हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन रैंक उन्हीं का आता है जो सिस्टमैटिक में पढ़ाई करते हैं। तो चलो ठीक है, मुझे इतना ही बोलना था। कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगा हो कि सर और क्लेरिफाई आप करें तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, और एज अ स्टूडेंट जब मैं था उसका एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। तो ज्यादा सेल्फ स्टडी भी कभी कभी एक क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, अपने फैकल्टी से बात करो, उनसे डिस्कस करो, ठीक है, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। तो ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर।